हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया चिली। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सोया चिली खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सोया चिली। इसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने 1 कप सोया चंक्स लिए, यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का अनियन लिया, ये मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया और 1 मीडियम साइज का आलू लिया और 1 मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया है और ये मैंने सोया सॉस लिया, ये केचप लिया, ये गार्लिक, ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर, विनेगर, ग्रीन कोरिएंडर और ये रेड चिली सॉस। सबसे पहले हम अपने सोया चंक्स को फ्राई कर लेंगे। इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था और यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल को हॉट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें अपने सोया चंक्स डाल लेंगे। इनको मैंने अच्छे से पानी से निकाल लिया, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया मैंने इनको टाइट एकदम, और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को भी आप मीडियम रखें, लो ना करें, या हॉट भी फुल भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे सोया चंक्स फ्राई होने लग गए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो ये ऑयल से एकदम सेपरेट हो जाएंगे, इनमें बबल्स आने बंद हो जाएंगे। तब आप समझ लेना कि हमारे सोया चंक्स एकदम अच्छे से फ्राई हो गए और एकदम क्रिस्पी फ्राई करना हमने इनको। तो देखिए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑयल से सेपरेट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी। इसी ऑयल में अब हम अपने आलू भी फ्राई कर लेंगे, जिनको मैंने फ्राइज में कट कर लिया। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का आलू लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसको मैंने फ्राइज में कट कर लिया, लंबा लंबा कट कर लिया। उसको भी हम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे इसको भी हम, आलू को भी, जिससे कि हमारा आलू कच्चा ना रहे। और हमारे चिली सोया एकदम अच्छे से बने। तो देखिए हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, दिखने में पता लग रहा है एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसी प्लेट में हम इनको भी निकाल लेंगे। इसी ऑयल में अब हम अपना पनीर भी फ्राई कर लेंगे, इसको भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई होने में बहुत कम टाइम लेता है, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू चलाएं, ये बस 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। इसको बस 2 मिनट में आप निकाल लें। इसी पैन के अंदर मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया और इसी पैन के अंदर मैं गार्लिक डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल रखा और अब हम इसी के अंदर हम अपना गार्लिक फ्राई कर लेंगे, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। 5-6 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गार्लिक भी हमारा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बस 2 मिनट लेता है फ्राई होने में ये भी, और इसका कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगता है। तो हमने इसको ज्यादा जलाना नहीं है, ज्यादा बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पे हम इसमें टोमेटो प्योरी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टोमेटो को प्योरी कर लिया था, अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक के साथ ही, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसको पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहें और फ्लेम को मीडियम रखें। ये देखिए आप देख सकते हैं इसने ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें इसमें। और यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। अब
ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने एक हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किनारों पे आप देख सकते हैं जैसे ऑयल आ रहा है, सेपरेट हो रहा है पैन से। अब हम इसी के साथ इसमें अनियन ऐड कर लेंगे। अनियन को मैंने डाइस में कट कर लिया है। और इसको हमने ज्यादा पकाना नहीं है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना अनियन को हमें। 1 मिनट के करीब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हम ना कैप्सिकम भी मिक्स कर देंगे, इसी के साथ ऐड कर देंगे कैप्सिकम को भी। कैप्सिकम को भी हमने सॉफ्ट नहीं करना, इनमें क्रंच रहे तो अच्छा लगता है। एक बाई टाइमों में क्रंचीनेस रहे इनका तो अच्छा लगेगा। सारे मसाले अच्छे से लग जाए हमारे अनियन और कैप्सिकम पे, अच्छे से मिक्स कर लेना हमने जो भी हमने ऐड किया मसाले, टमाटर, गार्लिक। अब इसी के साथ हम 1 चम्मच के करीब विनेगर ऐड कर लेंगे इसमें। एक चम्मच के करीब हम सोया सॉस भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हम 1 चम्मच के करीब केचप, टोमेटो केचप ऐड कर लेंगे। और 1 चम्मच के करीब हम रेड चिली सॉस भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर लेंगे इसमें, जिससे कि हमारी थोड़ी सी चटपटी सी ग्रेवी बन जाए और अच्छे से हमारे सोया चंक्स, आलू, पनीर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये जिनको हमने फ्राई करके रखा था, अब इनको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इन पे जो मसाला अच्छे से कोट हो जाए, जो हमने मसाले सारे ऐड किए हैं इसके अंदर, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते रहेंगे इसको। 2 मिनट के करीब हम इसको मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट तक अच्छे से बिल्कुल, जब तक हमारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए इन पे, पनीर, सोया चंक्स पे। मुझे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें से, खाने का मन कर रहा है एकदम, ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और इसी के साथ हम थोड़ा धनिया भी ऐड कर लेंगे इसमें, धनिया डाल लेंगे जो मैंने हरा धनिया को काट के रखा हुआ है। और अब हम इसको 5 मिनट के करीब ढक के पका लेंगे, ढक्कन लगा के हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखिए अभी 5 मिनट तक पक गई है, कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है और इसका अरोमा तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में भी ये, और खाने में भी बहुत ही यम्मी है, ये भी बहुत ही यम्मी है। फ्रेंड्स आप इसको घर पे जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को, एक बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए बनके रेडी है, अब हम इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका चिली सोया कैसा बना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। Thanks for watching.